सत श्री अकाल, मैं सिमरन तुहाडे सब दा स्वागत करदी हां। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों गुत्ता गद्दी ते विराजमान होए तां उन्हां ने पक्का मन बना लिया कि जुल्म दा टाकरा हुण तलवार नाल ही करना पएगा, जिस लई गुरु साहिब ने फौज तैयार कीती। गुरु साहिब दी फौज दे विच दूरों दूरों सूरमे आ रहे सी शामिल होण दे लई। उत्थे ही गुरु साहिब ने एक दिन यह विचार किया कि क्यों ना नगाड़ा तैयार करवाया जाए, क्योंकि फौज की शान तो नगाड़े नाल ही बनती है। गुरु साहिब ने सोचा कि जेकर साढ़े कोल वड्डा नगाड़ा होएगा तो साढ़े ते कोई चढ़ाई करके आएगा तो नगाड़े की आवाज़ के नाल पता लग जाएगा कि कोई साढ़े ते चढ़ाई करन आ रहा है, तो फौज मिनटा विच तैयार हो जाएगी। उत्थे ही गुरु साहिब ने यह भी सोचा कि नगाड़े दे डगियां दे नाल वक्खो वक्खो तरीके दी आवाज़ कढ़ी जा सकती है, जिस नाल वक्खो वक्खरे संदेश भी दित्ते जा सकते ने, जिस नाल सानू फायदा होएगा अते किसे दुश्मन नू इस दी कन्नो कन खबर भी नहीं पएगी। ते गुरु साहिब ने यह भी सोचा कि जदों अपनी फौज जित रही होवे तां नगाड़ा वज रहा होवे तां सेना दे विच इक वक्खरा ही जोश आ जाएगा, तो होर जोश दे नाल दुश्मन दा टाकरा करेगी। तो गुरु साहिब ने यह विचार करते हुए अपने वजीर नंद चंद नू कहा कि तुसी एक नगाड़ा तैयार करवाओ। गुरु साहिब की यह गल सुन के उसने अगे ये संदेश दे दिता, पर मसंद बड़े ही कमचोर सी, ओह तो वेलियां खाण नू गिज्जे हुए सी। मसंदा ने सोचा कि जेकर अजिहा हो गया, नगाड़ा तैयार हो गया तो नगाड़ा बजाया भी जाएगा, जिस नाल हो सकता है कि पहाड़ी राजे फिर तो चुकन्ने हो जाण, उन्हां नू ये गल चंगी ना लगे, तो हो सकता है हिंदुस्तान दे बादशाह कोल भी ये गल पहुँच जाए, जिस नाल भयानक युद्ध हो सकता है, तो वह ये नहीं चाहते सी। इसलिए मसंदा ने सलाह की, वह इकट्ठे हो के माता गुजरी जी को पहुँच गए और माता गुजरी जी नू समझाउण लगे कि तुसी गुरु साहिब नाल गल करो अते उन्हां नू नगाड़ा बनवाउण तो रोको, कि हो सकता है कि नगाड़े दे नाल ये गल औरंगजेब तक पहुँच जाए अते वह फिर तो जुल्म करना शुरू कर देवे। माता गुजरी जी ने उन्हां दी ये गल मान ली अते माता गुजरी जी गुरु साहिब नाल इस बारे गल करन लई तैयार हो गई। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वापस आए तो माता गुजरी जी उन्हां नू कहण लगे कि पुत्तर जी तुसी ये क्यों कर रहे हो, तुसी नगाड़ा ना बनवाओ। माता गुजरी जी कहण लगे कि असी तां संत मत दा प्रचार कर रहे हां, संतां साधां दे फौज किस काम दी, ते असी युद्ध किस लई करना है। गुरु साहिब ने माता गुजरी जी की सारी गल सुनी अते बड़ी ही हलीमी दे नाल बेनती करन लगे कि माता जी मेरा धर्म अते मेरे वड्डियां दा धर्म हुण मैनू वंगार रहा है, वह चाहुंदा है कि हुण मैं जुल्म दे खिलाफ खड़ा होवां, जिस लई मैनू फौज की जरूरत है। मैं चाहुंदा हाँ कि मेरी जिहड़ी फौज है उन्हां दे हत्थां विच तलवार होवे, वह जुल्म दा सामना कर सके ते मजलूमां ते हो रहे इस अत्याचार नू रोक सके। मेरे सूरमियां दे हत्थ विच तलवार होएगी अते मुख ते वाहिगुरु दा जाप होएगा। जिवें ही माता गुजरी जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुख तो ए शब्द सुने, वह उत्थे ही चुप कर गए। माता गुजरी जी ने भी मुस्कुरा के उन्हां नू मंजूरी दे दित्ती। इस तो बाद गुरु साहिब ने वड्डा सारा नगाड़ा तैयार करवाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी, ते उस नगाड़े दा नाम रणजीत नगाड़ा रख्या गया, जो कि गुरु साहिब दी हर जंग तो पहला वजाया जांदा, जिस नाल गुरु साहिब दी फौज दे विच होर भी ज़्यादा जोश भर जांदा ते उन्हां दे सूरमे बड़ी ही दलेरी दे नाल जंग दे मैदान विच फतेह करदे। इसे तरह दीआं होर साखियां देखण दे लई जुड़े रहो सिख यूनिवर्स दे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।